जैसे चुनाव अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले तेज होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी और नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया है। झा ने मोदी को नौटंकीबाज करार दिया है। रोजगार पे चुप्पी, अर्थव्यवस्था पे चुप्पी, किसानी के संकट पे चुप्पी, काला धन पे चुप्पी, नौटंकी किस बात की? नौटंकी सेना के नाम पर। अरे सेना किसकी होती है? सेना भारत माता की है, किसी के बाप की नहीं है। वो मिल्कियत नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। सेना सरहद को महफूज रखती है, हमको आपको महफूज रखती है। सेना का काम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट उगाही का तंत्र नहीं बनना है। हमारे सेना के जवान मायूस हैं, सरहद पे सर कटाते हैं मां भारती के लिए, किसी नरेंद्र मोदी के लिए नहीं या किसी और प्रधानमंत्री के लिए नहीं। ये क्या नौटंकी कर रहे हैं आप? लंका में आतंकी हमला हुआ, गौर करिए, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने माफी मांगी, कहा सुरक्षा चूक हुई हमसे। क्या मैं अपने प्रधानमंत्री से ना कहूं कि हमने अपना भाई खोया है पुलवामा में? आपके लोगों ने कुछ नहीं खोया है, मां भारती ने 40 से ज्यादा लाल खोया है। उन लाल के खोने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सुरक्षा चूक। आपको माफी मांगनी चाहिए लोगों से, लेकिन आप आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। मैं, मेरा, मुझको, आप आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, दूसरे जगह भी अपनी शक्ल देखते हैं, और नतीजे में यह हो गया है आप एक ऐसे असफल प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, ऐसे दुर्बल प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे जिसने चौकीदारी ढंग से नहीं की। अब सवाल है कि इस तरह के हमलों के बाद अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो फिर सभी विरोधी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अब देश की जनता को तय करना है कि प्रधानमंत्री पर विरोधियों के इस तरह के हमले का जवाब कैसे दें। कांग्रेस हो या फिर उसके महामिलावटी साथी, सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में खिचड़ी वाली मजबूर सरकार बनाने के उनके सारे मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं। साथियों, आपका ये चौकीदार देश को जिताने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए दिन रात आपकी सेवा में जुटा है।